हे एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 1 से लेकर 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम डाइंग डिक्लेरेशन को देखते हैं। इसको मैं सबसे पहले एक मैगजीन के साथ शुरू करती हूँ, नेमो मोरिटर्न्स प्रोज्यूमिटूर मेंटीरी, जिसका मतलब होता है द मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। ये माना जाता है लॉ में कि कोई भी पर्सन मरने से पहले झूठ नहीं बोलेगा। तो इसी मैगजीन पे हमारा पूरा डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे क्या है कि जो विक्टिम होता है हु बेस्ट नोज अबाउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि मरने के बाद वो अपने डेथ का कॉज बताने के लिए कोर्ट नहीं आ सकता है। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन पॉसिबल होता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है। साथ ही साथ डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हियरसे एविडेंस का एक एक्सेप्शन है। हम देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो डाइंग पर्सन है, जो मर रहा है, उसके जो भी लास्ट वर्ड्स होते हैं, लास्ट स्टेटमेंट जो वो किसी को भी बना रहा होता है, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। और वो स्टेटमेंट बनाते समय इस बिलीफ में रहता है कि उसकी डेथ नजदीक है या वो मरने वाला है, इस बिलीफ में वो रहता है, और तब जब वो स्टेटमेंट बनाता है उसी को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। आइए इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में इसका प्रोविजन दिया गया है। 32 का जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तो वो हेडिंग है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रिलेवेंट। सेक्शन 32 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस दिए गए हैं जहां बताया गया है कि किस किस पर्सन का किन किन सर्कमस्टेंसेज में स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट होगा। हम यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्लॉज 1 को डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेटेड है। तो देखिए क्लॉज 1 क्या कहता है, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पे देखिए जो ये पूरा का पूरा प्रोविजन है उसको हम काफी ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा बनाया गया जो अपने डेथ का कॉज बता रहा है। मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं 32 के। दूसरी चीज, या तो वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बता रहा है जिसमें माना जाएगा कि उसकी डेथ किन सर्कमस्टेंसेस में हुई होगी। सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कि पूरे फैक्ट का एक सीरीज बनाने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होंगे, रिलीवेंट होते हैं। और जो पर्सन यहाँ पे बना रहा है वो स्टेटमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में हो, तब भी वो उसका स्टेटमेंट रिलीवेंट होगा अगर वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ की बिलीफ में नहीं है। आइए अब इसको वन बाई वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड की बात करेंगे जो 32 में यूज किया गया है, वो है कॉज। कॉज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे का रीजन। तो अगर किसी की डेथ हो रही है तो किस वजह से उसकी डेथ हुई है, वो एग्जैक्ट वजह, वो एग्जैक्ट रीजन, उसके लिए यहाँ पे कॉज वर्ड यूज किया गया है। जैसे अगर ए मरने से पहले अपनी वाइफ को एक स्टेटमेंट देता है और कहता है कि उसकी जो डेथ है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो उससे पहले उसने खाना खाया था, जो लंच या डिनर लिया था, उसमें पॉइजन मिला हुआ था। तो पॉइजन क्या होगा, यहाँ पे उसकी डेथ का कॉज होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया गया है और जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है 32 में, वो है ट्रांजेक्शन ऑफ, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्टली कॉज को नहीं बताया जा रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे डाइंग डिक्लेरेशन मानते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि बी है, उसने कुछ पैसे लिए हुए हैं ए से। ए जो है कुछ समय के बाद बी से उस पैसे की डिमांड करता है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन बी हो सकता है कि पैसे ना देना चाहता हो। उस दिन काफी दिन ए को घुमाया, उसको कुछ कुछ बता दिया कि मैं ऐसे है वैसे, कुछ कुछ भी बहाने बताए। लेकिन मान लीजिए कि अचानक एक दिन क्या करता है कि बी ए को डिनर के लिए अपने घर पे बुलाता है। ए ये बात कह अपनी वाइफ को बता करके जाता है कि वो बी के घर डिनर के लिए जा रहा है, और बी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि तुम डिनर पे आओ तो मैं तुम्हारे जो ड्यूज हैं उनको भी दे दूंगा, रीपेमेंट कर दूंगा। तो ये देखिए ए क्या करता है, बी के घर चले जाता है उसके इनविटेशन पे, और ये फैक्ट उसकी वाइफ को पता होता है, लेकिन बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए ने उस बी के घर जाने से पहले अपनी वाइफ को दिया था, वो स्टेटमेंट को यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शन है जहां पे ये पता लगाया जा सकता है कि किन सर्कमस्टेंसेज में एक की डेथ हुई होगी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ट्रांजेक्शन की तरफ। और देखिए यही सेम चीज जो है वो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है डाइंग डिक्लेरेशन में, एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस का भी फैक्ट वही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल की तरह बताया है। यहाँ पे भी एक्यूज ने डिसीज से कुछ पैसे लिए हुए थे, बाद में यहाँ पे डिसीज जो है उसको इनवाइट किया गया बहरमपुर। बहरमपुर जो है वो जगह है जहां पे एक्यूज रहते थे, लेकिन वहां जाने के बाद वो वापस नहीं आया और स्टील के ट्रंक में दो दिन के बाद उसकी बॉडी बहुत सारे पीसेस में कटी हुई मिली थी। यहाँ पे डिसीज की जो विडो है उसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए क्या था कि उसने ये स्टेटमेंट दिया कि उसका हस्बैंड उसने उसको एक लेटर शो किया था, जो लेटर एक्यूज्ड के द्वारा लिखा गया था, जिस लेटर में इनविटेशन दिया गया था यहाँ पे डिसीज्ड पर्सन को, जिसमें इनवाइट किया गया था कि आप बहरमपुर आइए और आप अपने ड्यूज क्लियर कर लीजिए, अपने पैसे वापस ले लीजिए। और यही इस केस में हुआ कि एक्यूज्ड को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया मर्डर के लिए और वहां पे उसको डेथ सेंटेंस दी गई। अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताती हूँ। यहाँ पे लॉर्ड अटकिन जो है वो यहाँ पे जज थे, जिन्होंने इस केस को देखा और यहाँ पे जो टेस्ट अप्लाई किया था। प्रिवी काउंसिल का केस है। तो देखिए यहाँ पे जो रीजन दिया गया था इस केस पे वो क्या था कि दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शन की बात की गई और जो मेन एविडेंस यहाँ पे था वो लेटर जो एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा डिसीज्ड को लिखा गया था। और यहाँ पे कोर्ट के हिसाब से वो डायरेक्टली कनेक्टेड था उसके डेथ से, एंड इट वुड क्लियरली फॉल विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ सेक्शन 32। सेक्शन 32 में जो सर्कमस्टेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शन की बात की गई है वो यही है। यहाँ पे जो लेटर था उसको कंसीडर किया प्रिवी काउंसिल ने कि उस लेटर में एक पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करना, एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा लेटर लिखा जाना और एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलने जाना डिसीज्ड का, ये सब कुछ इन सर्कमस्टेंसेज को बताता है कि कैसे उसकी डेथ हुई होगी या किसने उसकी जो डेथ है वो कॉज की। तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवी काउंसिल था उसका कहना था कि सच सर्कमस्टेंसेज हैव सम प्रॉक्सिमेट रिलेशन टू एक्चुअल ऑकरेंस। जो एक्चुअल ऑकरेंस हुआ था उससे इसका प्रॉक्सिमेट मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन जो है और रैशनल रिलेशन है, इसीलिए ये यहाँ पे रिलेवेंट है। तो देखिए एक्चुअल ऑकरेंस होना जरूरी होता है सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन के केस में। अगर वो एक्चुअल ऑकरेंस से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली तो फिर वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो वाइफ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, रिलीवेंट माना गया, एडमिसिबल माना गया और एक्यूज्ड को यहाँ पे उसी बिहाफ पे कन्विक्ट किया गया था। इसी में देखिए सेम सरद बिरदी चंद सरदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है और इसमें सेम टेस्ट अप्लाई किया गया था जस्टिस फजल अली के द्वारा, जो लॉर्ड अटकिन के द्वारा पकाला नारायण स्वामी में किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अब चलिए हम बात करेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने का बेस्ट फॉर्म क्या होता है। पहली चीज, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। ओरल में है तो उसने जिस पर्सन को स्टेटमेंट दिया है उस पर्सन को कोर्ट में बुलाया जाएगा एग्जामिन करने के लिए, एंड देन ही विल गिव टेस्टिमनी। दूसरी चीज है कि जो विक्टिम है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। जब वो स्टेटमेंट बना रहा है जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर करेंगे, वो स्टेटमेंट को बनाते समय फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। यहाँ किसी किसी केस में हो सकता है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े। उसके अलावा देखिए कि डिक्लेरेशन शुड बी साइंड और थंब इम्प्रेशन। अगर लिटरेट पर्सन है तो उसका साइन होना चाहिए और अगर इलिटरेट है तो एटलीस्ट उसका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी पर्सन को मान लीजिए कि गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन में है, और वहां पे अगर जाकर के उसका डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो वो साइंड होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है और बेस्ट फॉर्म माना जाता है। उसके बाद है कि इट शुड बी क्लियर एंड कम्प्लीटेड। डाइंग डिक्लेरेशन को कभी भी इनकम्प्लीट नहीं कंसीडर किया जाता है, जब वो कम्प्लीट होता है एज अ होल ही उसको कंसीडर किया जाता है।
उसके बाद से देखिए इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर वो जेस्टर्स के थ्रू बनाया गया है, मतलब कि जो बना रहा है विक्टिम, वो मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो बोल सके, तो अगर वो लिख पा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख पा रहा है तो अगर वो जेस्टर्स के थ्रू बता रहा है तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, या जो ट्रांसलेटर्स होते हैं या जो मेन फॉर्म को बता सकते हैं, जेस्टर्स को समझ सकते हैं, उनका वहां पे जो इंटरप्रेटर्स होते हैं उनका वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी होता है, एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ये बेस्ट फॉर्म माना जाता है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि ऐसा एकदम से कोई जरूरी नहीं हो, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होगा तो सिर्फ इस चीज की वजह से हम डाइंग डिक्लेरेशन को इररिलेवेंट मान लेंगे, लेकिन ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर है कि क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बात की गई है 32 क्लॉज 1 के अंदर, कि जो पर्सन स्टेटमेंट बना रहा है जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर करेंगे, वो कोई जरूरी नहीं है कि उस स्टेटमेंट को बनाते वक्त अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो, मतलब कि इमीडिएट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है। अगर वो इस बिलीफ में भी है कि उसकी डेथ नहीं होने वाली है, स्टिल वो जो उसका स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा। और अगर मान लीजिए कि वो फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाता है, रिकवर कर लेता है, तो फिर क्या होगा उसके स्टेटमेंट का वैल्यू, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, मतलब उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा एग्जामिन करने के लिए और उसको कोरोबोरेट करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि जब वो एज अ विटनेस कोर्ट में अपियर हो तो 145 एविडेंस एक्ट के अंदर उसको कंट्राडिक्ट भी किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन इवन पुलिस ऑफिसर को भी दिया जा सकता है, मतलब पुलिस ऑफिसर को दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन भी रिलेवेंट होता है। हालांकि मजिस्ट्रेट या डॉक्टर या किसी अन्य पर्सन को दिया जाए तो वो ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि वो लोग न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस ऑफिसर को भी दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिलेवेंट होगा। एफआईआर मतलब कि किसी की डेथ होने से पहले अगर मान लीजिए कोई इंजर्ड पर्सन है और अगर वो आकर के एफआईआर लिखवाता है, नोट करवाता है, तो वो एफआईआर को भी हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज करेंगे अगर उस एफआईआर में उसके डेथ का कॉज लिखा है या सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें ये कि अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है, मतलब किसी ने तीन चार स्टेटमेंट तीन चार लोगों को बना रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि वो सारे के सारे डाइंग डिक्लेरेशन को देखा जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब अगर उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी है या वो एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट है तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है तो उनका एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होना काफी जरूरी है। अब आ जाइए बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की फिर एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, और अगर कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाइड है कि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है और वॉलंटरी है, तो फिर वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है विदाउट एनी कोरोबोरेशन। वहां पे कोरोबोरेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे भी सिर्फ एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट का बहुत सारे केसेस में कहना है कि कोरोबोरेशन जो है इज ओनली अ रूल ऑफ प्रूडेंस और मियरली अ रूल ऑफ कॉशन। कॉशन के लिए यहाँ पे कोरोबोरेशन किया जा सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कोर्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो सारे सर्कमस्टेंसेस को टेस्ट करेगी कि इन सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई, सारे फैक्ट जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। और इसमें आप ये दो केस रेफर कर सकते हैं जो कि है शायक नागूर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और खुशल राव वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। Thank you.